फ्रेंड्स वेलकम टू टीएसपी देवघर। स्टेट एंड सेंट्रल जॉब्स पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों एक और बम्पर वैकेंसी आ चुकी है, एक और भर्ती कैंप का आयोजन होने वाला है। तो इस वीडियो में हम आपको पूरी जानकारी देने वाले हैं कि वो भर्ती कैंप कहाँ लगने वाले हैं, क्या इसके चयन प्रक्रिया रहने वाले हैं, क्या इसमें सिलेक्शन प्रोसेस होने वाले हैं। तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। लेकिन दोस्तों अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल टीएसपी देवघर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारी आने वाली सारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप ही के पास पहुँचे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हम इसको ऑफिशियल नोटिफिकेशन में आ चुके हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं किन किन पदों में कौन क्या क्या वैकेंसी निकली है, कितनी क्वालिफिकेशन है, क्या इसका एक्सपीरियंस मांगा गया, क्या इसमें सैलरी होने वाली है। सबसे अगर पहले बात करें एक नंबर पर सिक्योरिटी गार्ड की, तो अगर इसकी वैकेंसी की बात करें टोटल 50 पदों पर है। एक क्वालिफिकेशन 10th पास। जी हाँ, अगर आप 10th पास हैं तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ पर आप भाग ले सकते हैं। अगर इसके एक्सपीरियंस की बात करें तो इसमें फ्रेशर जॉब होने वाला है। जी हाँ, अगर आप कुछ भी नहीं आता तो भी यहाँ आप आके आ सकते हैं। इसकी उम्र की बात करें, एज लिमिट तो 18 से 45 वर्ष। सैलरी इसमें आपको मिलने वाली है 7000 से लेकर 10000 तक। जी हाँ, इसमें सैलरी बहुत अच्छी खासी 7000 से लेकर 10000 तक। दूसरे नंबर पर बात करें सिक्योरिटी सुपरवाइज़र की, जो कि 6 पदों पर है। इसकी क्वालिफिकेशन की बात करें तो ग्रेजुएशन, इसमें एक्सपीरियंस आपका 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। उम्र इसमें 18 से 45। आपका इसमें सैलरी मिलने वाला है 8500 से 15000। जी हाँ, अगर तीसरे नंबर पर बात करें तो हाउसकीपिंग की, जो कि वैकेंसी है 12 पदों पे है। इसमें आपका क्वालिफिकेशन मांगा गया है नॉन मैट्रिक। जी हाँ, अगर आप 10th पास नहीं भी किए हैं तो भी इसमें आप भाग ले सकते हैं। इसमें आपका कोई भी एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया। उम्र भी इसमें 18 से 35। इसमें आपका सैलरी है 7000 से लेकर 9000 तक। और चौथे नंबर पर बात करें तो गनमैन की, नंबर वैकेंसी 6। इसमें भी क्वालिफिकेशन 10th पास मांगा गया है। इसमें एक्सपीरियंस दिया गया लाइसेंस ऑल इंडियन। इसमें आपका एज मांगा गया है 25 से 45 वर्ष। इसमें आपका बहुत ही अच्छी खासी सैलरी होने वाली है 20 से लेकर 25000 की। और दूसरी की बात करें पाँचवें नंबर पे कुक की, जो कि 2 पदों पर वैकेंसी निकली है। इसमें आपका क्वालिफिकेशन मांगा गया इंटर। अगर आप इंटर किए हुए तो आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे, इसमें आप भाग ले सकते हैं। इसमें भी आपका कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया। इसमें उम्र 20 साल से लेकर 45 साल, 7000 से लेकर 9000 तक इसका सैलरी होने वाला है। और छठे नंबर की बात करें तो ऑफिस स्टाफ की है, जो कि 4 पदों पे होने वाली है। इसमें भी आपका क्वालिफिकेशन इंटर मांगा गया है। इसमें आपका एक्सपीरियंस 1 वर्ष, 7500 से लेकर 12000 तक आपको इसमें सैलरी मिलने वाली है। और सातवें नंबर पर बात करें तो फील्ड ऑफिसर की, जो कि 4 पदों पर है। इसमें आपका क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन मांगा गया है। इसमें अगर इसकी एक्सपीरियंस की बात करें तो बेसिक कंप्यूटर एंड 2 ईयर इन सेम फील्ड। सैलरी आपका 12000 से लेकर 20000 तक आपको मिलने वाली है। तो चलिए अब ये जान लेते हैं कि इन सारे जो वैकेंसी है, ये जो भर्ती कैंप होने वाले हैं, ये कहाँ पे होने वाले हैं और कितने तारीख को लगने वाले हैं। लेकिन दोस्तों अगर आप झारखंड में एक अच्छी जॉब पाना चाहते हैं, जीके जीएस की अच्छे से अच्छे तैयारी करना चाहते हैं, झारखंड सामान्य ज्ञान जरूर पढ़ें। ये आने वाले वैकेंसी, आने वाले प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए झारखंड के बहुत ही कारगर साबित होने वाले हैं। इसमें आपको 3000 से प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएंगे। दोस्तों अगर इसकी बात करें प्रथम पेज के अध्याय 1 झारखंड सामान्य परिचय, जो इतनी अच्छी तरीके से आपको समझाया गया है, जो कि आप एक बार पढ़ लेने से आपको पूरी की पूरी किताब याद हो जाएगी। दोस्तों चक्षु झारखंड सामान्य ज्ञान ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों में उपलब्ध है, आप जैसे चाहे वैसे मंगा सकते हैं। दोस्तों अगर आप ऑनलाइन मंगाना चाहते हैं तो ऑनलाइन अमेजन में आपको उपलब्ध मिल जाएंगे, अमेजन पे आपको मिल जाएंगे। दोस्तों अगर आपसे ऑफलाइन लेना चाहते हैं तो आप अपने नज़दीकी बुक स्टोर में जाकर आपको यह किताब मिल जाएगा। जी हाँ दोस्तों, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। झारखंड सरकार श्रम नियोजन प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग पश्चिमी सिंहभूम चाईबासा में यह निबंधन शिविर सह भर्ती कैंप का आयोजन होने वाला है। दोस्तों इसका जो भर्ती कैंप होने वाला बस एक दिन नहीं होने वाला, प्रखंड वाइज जैसा कि हर एक प्रखंड में होने वाला है हर एक डेट में। तो अगर बात करें एक नंबर पे तो खूंटापानी प्रखंड में 2/12 को होने वाला है। झिंकपानी में 6 तारीख को, 4 तारीख को होने वाला है। 3 नंबर में तांतनगर में 6 तारीख को, मंझारी में 8 तारीख को, हाटगमरिया में 10 तारीख को, 6 तारीख में जगन्नाथपुर में 13 तारीख को, कुम्हार टुंडी में 15 तारीख को, नौवा मुंडी में 17 तारीख को, सोनवा में 20 तारीख को, माई लेकेरा में 22 तारीख को, मनोहरपुर में 24 तारीख को होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, 11 में से किसी एक जगह में जाके आप यहाँ भर्ती कैंप में भाग ले सकते हैं और एक अच्छी जॉब पा सकते हैं दोस्तों यहाँ पे एक नोट दिया गया कि आवेदन निबंधन सह भर्ती कैंप में सभी प्रमाण पत्र एवं छाया प्रति नियोजनालय के निबंधन कार्ड एवं
हाल का पासपोर्ट फोटो साइज फ़ोटो लेकर अवश्य लाएँ। मतलब आपको यहाँ पे अब जो आपका जो क्वालिफिकेशन है, आप कितना तक पढ़े लिखे हैं वो भी लेके आना है, और निबंधन कार्ड जो बनवाना है मैंने बताया था आपको, रजिस्ट्रेशन कैसे करना वो भी लेके आना है, और हाल का ही पासपोर्ट साइज फ़ोटो लेके आना है। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको पूरी जानकारी मिल चुकी है। लेकिन दोस्तों अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल TSP देवघर को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें, क्योंकि हमारे आने वाले सारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप ही के पास जाए। दोस्तों मैं इसका नोटिफिकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से भी पूरा का जानकारी ले सकते हैं। दोस्तों मैं इसका टेलीग्राम का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से अगर इसके बारे में कोई भी नई जानकारी आती है तो सबसे पहले हम वहाँ अपलोड कर देंगे, तो वहाँ आप जाके आप इसको जान सकते हैं। तो दोस्तों चलिए दोस्तों हम बहुत जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड।